ना कर निंदिया ना कर चुगली ओ बंदिया, ना कर निंदिया ना कर चुगली ओ बंदिया, क्यों पाप कमांदा जाना है। तू भी नहीं रहना सदा ऐथे ही, तेरा भी चिट्ठा लिखिया जाना है। जे हो सकता है तो चंगे बोल बोल लै थोड़े, तू ऐथे ही सारा हिसाब मकाना है। गुरु जी का नाम जप लै थोड़ा, ये गुरु जी की धोती पर भी अमृत जल गिरा हुआ है संगत जी, और ये रूप इतना प्यारा है गुरु महाराज जी का, इतने सुंदर लगती है ना कि बस आंखें देखती रहती है इनकी, बस क्या बोलूँ मैं, डूब ही जाती हूँ मैं तो इनके इस रूप में। बहुत ही सुंदर प्यारे लगते हैं गुरु महाराज जी, और ये वाला सब रूप पे देखिए संगत जी आज कितनी ज़्यादा अमृत वर्षा हुई है। और संगत जी आज मॉर्निंग का व्यू है गुरु महाराज जी का, 8:30 बजे जब आरती हो रही थी ये तब के दर्शन है गुरु। आज सुबह सुबह ही गुरु महाराज जी ने इतने प्यारे दर्शन दे दिए हैं, आंखें धन्य हो गई हैं इनके दर्शन पाके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हम आपके दर्शनों के प्यासे हैं गुरु महाराज। ये जो आपकी अमृत दर्शन अमृत जल के दर्शन होते हैं ना, तो ऐसे बस लगता है कि गुरु जी हमारे साथ अंग संग है। पर गुरु जी क्षमा करना, अगर आपके अमृत दर्शन अमृत वर्षा के ये दर्शन ना भी हों तो भी आप हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं अपने बच्चों के, और अपने बच्चों की गलतियों को हमेशा क्षमा करते हैं। और संगत जी ये देखिए गुरु जी का टिक्का पूरा नाक तक आ गया, कैसे छिट्टे छिट्टे से बन गए हैं, कितना ये वाला टिक्का भी देखिए कैसे अमृत जल से लंबा सा हो गया है। तो गुरु जी नहा लिए हैं आज अमृत वर्षा में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और यही दर्शन पाने के लिए संगत रोज़ दूर दूर से आती है। और जय गुरु जी, और अपना ये आशीर्वाद और प्यार सारी संगत पर बनाए रख। वही आंटी है जो कल उन आंटी के साथ आए हुए थे। ये रणवीर को और आंटी है चंडीगढ़ से कल आए थे हमारे घर दर्शन के लिए। इनके सामने सामने इन्हीं की सिस्टर के साथ ही इंसिडेंट हुआ। आंटी प्लीज शेयर योर सत्संग एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी बेटा, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी। जय गुरु जी। हम चार फ्रेंड्स थे, उनको पता चला था कि यहां गुरु जी के वर्षा होती है जी, तो हम देखने के भी आए थे। तो जब हम आए तो हमको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि तब वर्षा नहीं हो रहा था जी। तो हम थोड़ा प्रेयर करने लगे, हमने सबने प्रेयर करी, और जैसे जैसे हमने प्रेयर करी तो वैसे इमिडिएटली कुछ मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद हमने अपनी आंखों से देखा, खुद देखा कि वहाँ पहले तो जो सबसे ऊपर येलो चोले में गुरु जी का है, वहाँ उनकी आंख से कुछ आंख नीचे की तरफ कुछ आ रहा था। वो देखते देखते मैं सबको बता ही रही थी कि देखो ये क्या है। इन द मीन टाइम वो जो गुरु जी का ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला स्वरूप है उसके ऊपर गुरु जी के अमृत आ गया। जय गुरु जी। वी आर सो लकी एंड सो हैप्पी कि हमने देखते देखते वो पहले थोड़ी सी बूंदे थी, फिर देखते देखते वो काफी सारी बूंदे हो गई। हमने वो जल भी पिया था, बहुत खुशबू भी आई थी। तो वी वर सो लकी, हमने आपको बहुत खुश करा, फिर आपको गुरु जी को थैंक यू भी बोला कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि हमने आपने हमको लाइव ये वर्षा दिखाई है। फिर अभी यहाँ हो ही रहा था इमिडिएटली जब हमने देखा थोड़ी देर के बाद, तो चरणों से भी गुरु जी का पूरा वो स्वरूप जल से भर गया, वो भी हमने अपनी आंखों से देखा। तो ऐसा कुछ नहीं, ये तेल में होती है। जय गुरु जी करते हैं। ये घर बहुत ब्लेस्ड है, ये बच्चा बहुत ब्लेस्ड है, मेरे को हमको बहुत अच्छा लगा। तो फिर तो जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे एक सॉरी वो ना बैठ नहीं पाते क्योंकि उनके नीज में काफी प्रॉब्लम थी। जब वो खड़े होके देखने लगे तो वहां कोई और बैठ गया जहाँ वो बैठे थे, तो देयर वाज नो प्लेस टू सिट। फिर वो सीढ़ियों में जाके बैठ गए। अभी बैठे थे तो बच्चे ने उनके पांव दबाए, वैसे जाके खुशी से क्या किया, इतनी दूर से आए हो, इतने बुजुर्ग हो ना करके, तो उनको आशीर्वाद मिला। तो अभी ये बच्चा अंदर आ गया, हम भी अंदर ही बैठे थे, तो
गुरु जी का थोड़ा मंत्र जाप भी करते जा रहे थे अंदर ही अंदर मन में। तो किसी ने बोला इनको क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। जब हमने इनको देखा तो वो पीछे को गिर गए और उनकी आंख स्टिल थी, कहते है ना आंख खड़ी हो गई जैसे, और वो मतलब बेहोश कहते हैं या जो भी था वो, she was not in senses, it is in minor attack। जय गुरु जी, जय गुरु जी, रक्षा करो। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, जी आंटी आ रही है, आ रही है। ठीक है जी, सॉरी। तो फिर हमने उनको उनके ऊपर, उनके सिस्टर भी साथ में थे, तो बोला पानी डाल दो, पानी डालो, पानी डालो, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तो हमने एक बॉटल जो हमारे पास थी उसमें से उनको पानी पिलाया, उनके मुंह में पानी नहीं गया। हम बहुत ज्यादा घबरा गए कि इनको उठाएं भी कैसे, क्योंकि थोड़ा उनका हैवी वेट है। तो कुछ भी मैं उनको मलती जा रही हूँ उनका, फिर मैंने चेस्ट खूब मला और साथ में गुरु मंत्र का जाप करा जोर जोर से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, बहुत जोर से मन से अंदर से करा और गुरु जी से प्रेयर करके, गुरु जी प्लीज इनको ठीक कर लो। तीन मिनट तो ये काम चला, 3 से 4 मिनट तक शी वॉज फुली अनकॉन्शियस या जो भी था उनका, हमने नहीं, मैं नहीं कह सकती कि उनको सांस आ रहा था कि नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता इस बात का, बट उनकी आंख वैसे की वैसी खड़ी रही और वो फेस को हाथ लगाते थे, इधर जाता था, कभी भी इधर जाता था। उनकी सिस्टर ने उनके मुंह में पानी डाला, मुंह में पानी नहीं गया, उनका पानी सारा बाहर आ गया। डर तो था ही। इन द मीन टाइम वहां जो बच्चा है उसका नाम ध्रुव है जी जी। तो उनको उनको एकदम से उनके मन में आया या जो भी उनको गुरु जी ने कहा, हुक्म करा या जो भी हुआ, उन्होंने इमीडिएटली अंदर से जो जल प्रसाद था ना, अमृत वर्षा का, अमृत प्रसाद, अमृत प्रसाद था जो, वो उनके ऊपर डाला जी। उनके सिर के ऊपर उसने ऐसे पूरे के पूरे ही डाल दी जी। जैसे उनके सिर के ऊपर डाला, उनका हाथ हिला पहले, जब मैं तो बिल्कुल कर ही रही थी, उनका सारा मसाज कर रही थी उनको, जय गुरु, उनका थोड़ा पसरा, थोड़ी सी पहले उनकी आंख हिली, फिर हमने पूछा क्या हाल है, क्या कैसे हो, कैसे उन्होंने उन्होंने बहुत टोटली सी आवाज में, क्लियरली नहीं बोल पा रही थी वो, ठीक हूँ करके बोला उन्होंने। तो फिर कोई 5-7-10 मिनट में वो नॉर्मल हो गए, जगल प्रसाद का जो जो अमृत प्रसाद का उनको उनके ऊपर डाला उनकी उसकी वजह से, इट वाज अ सेकंड लाइफ फॉर हर जी। तो हमारे लिए कल वहां की विजिट थी इतनी फ्रूटफुल थी हमारे लिए। पहले तो हमने खुद अपने आंखों से जो सेकंड लाइफ में मिली मेरी फ्रेंड जसविंदर जी को, हमने वो देखा। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू टू ध्रुव एंड हिज फैमिली। आई डोंट नो बाकी उनके नेम तो हमको नहीं मालूम कौन थे, उनके शायद नानी जी थे या उनके मदर भी हैं। नानी जी, नानी जी, नानी जी। आप कैसे आए, आपको कैसे पता, आप आए कैसे थे यहाँ पे और आपको पता कैसे चला था आंटी? हमको तो बेटा ये वीडियो यूट्यूब से ही हमने आपको देखा था, तो उसमें से फिर हमने आपका एड्रेस ढूंढा, बिकॉज देयर वाज नो टेलीफोन नंबर। यस यस, आई आई एक उम्मीद के साथ आ गए थे कि ढूंढ ही लेंगे, कुछ तो हो गई। तो आंटी जी कोई हमारी बड़ी अच्छी निकली, परेशानी तो नहीं हुई आने में, कोई परेशानी दिक्कत? नो, नॉट एट ऑल। टैक्सी करके आ गए थे हम, तो टैक्सी करके रात को 12 बजे अपने घर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शक्ति वाले हैं ये फैमिली भी, बहुत परेशान थी जी जी। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा सत्संग जो भी सुने उसको भी भला हो और मेरा भी भला हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच आंटी जी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और गुरु जी का ये दरबार में कहती हूँ ऐसे ही खुशियों से भरा रहे, हर कोई यहाँ से स्वस्थ और निरोगी होके जाए। मैं कहती हूँ किसी को कोई रोग बीमारी ना हो, गुरु जी हर एक की, हर एक को मैं कहती हूँ ऐसे ही लाइफ ब्लेस करे गुरु महाराज जी, आपके चरणों से कोई भी निराश नहीं जाए, जिसे जो चाहिए आप मन की जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कैसे कल एक आंटी जी को गुरु जी ने उनकी एक सेकेंड लाइफ ब्लेस की है, तो इस तरह के सत्संग सुन के बहुत ही खुशी मिलती है। कितना मतलब गुरु जी का बाह बाह ही होती है हर जगह पे, हम यही कहेंगे बाह बाह गुरु जी, जय जय गुरु, शुक्राना गुरु।
हूँ कि यूट्यूब में कुछ लोग आपके गेस्ट भी बोल रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं मुझे नहीं पता उनको कैसा क्या लगता है, क्या महसूस होता है, क्या उनकी मानसिक दशा क्या है या है ना, तो लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा है, तो अगर हम आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, खुशबू आ रही है हम लोगों को कि हमने एक ने नहीं देखा, हम चार लेडीज गई थी या और हम कोई बच्चियां नहीं है कि हम ऐसे आपकी बातों में आ जाते वहाँ। Absolutely right. Absolutely. यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जब हमारी आंख के सामने हुआ तो हमको पूरा विश्वास है। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो माई रिक्वेस्ट इज आप किसी को ना तो कोई जवाब दो ना कोई एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है ना। अगर जिसका मन होगा मानता है गुरु जी को तो गुरु जी अपने आप उसको ब्लेस कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप किसी को कुछ मन होगा हमको पूरा विश्वास है तो है, दैट्स इट। ओके 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 जी गुरु जी, थैंक यू सो मच। काफी हिम्मत हमें एनकरेजमेंट मिली है आंटी जी आपसे सुन के, और अब ऐसा ही होगा, हम किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप किसी को कुछ भी मत कहो जी जी आंटी, कुछ बुरा मत कहो। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसी संगत है। वी आर ब्लेस्ड। जय गुरु जी आंटी जी। यस।